खेत में खाद जा रही थी, खाद में आजकल खाद लेने बैठ गए यहाँ पर, बच्चा है करीब 7-8 महीने का भैया, और अभी तो बड़ा निकला यहाँ से तो केले भाई को खोल के हमने, तो केला भाई समय से पहुँचे, 5-10 मिनट पहुँचे, अब वो जो है आपको काम है बोल को निकाल के पकड़ के ले चुके हैं। तो अब काम ये हमारे प्लेंट स्कूल सामने गेट के सामने है, यहाँ गोबर की खाद है, हमें हमारे यू भाई की है ये डालते थे, तो ये अपनी खाद भर रहे थे, तो अब खैर पकड़ लेके अब काम शुरू कर दिया है गोबर का भर दे। और पहले भाई का बहुत धन्यवाद, और पहले पहले भाई का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, समय से हमारी रिक्वेस्ट सुनते भी हैं, टाइम से पहुंचाते हैं। दोस्तों नमस्कार, ये सुबह सुबह हमने गोबर की खाद में से अजगर का बच्चा पकड़ा, काफ़ी उस समय गुस्से में था, काटने को तैयार हो रहा था बहुत ज़्यादा, शायद ठंड लग रही थी या उनके द्वारा से छेड़खानी की गई थी, अब थोड़ा धूप हो गई है, इसको मैं ले आया हूँ, अभी देखें कि कैसे काटता है, छेड़खानी करता है, क्या करता है। ये बिल्कुल इसको धूप की आवश्यकता है, धूप ले रहा है ये, और अभी शांत है क्योंकि ये बिल्कुल अपने जैसे इंसान चार्जिंग लेता है ऐसे ये भी चार्जिंग ले रहा है, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है इसके पास, पूंछ इसने नीचे रखी हुई है, यदि ये पूंछ से हरकत करेगा तो आप समझे कि हमला करने को तैयार है, इसको भी गर्मी लग रही है और सर्दी से इसको गर्मी में हमले के आ गए, अब इसको इसके हम प्राकृतिक छोड़ ही दिया है क्योंकि सामने सारा जंगल है, अब ये देखिए अब इसने हमने ये अब हमारे हाथों की मूवमेंट ये देख रहा है, अब इसका अपना वो चालू हो गया, इसका देखना आक्रमण करने के लिए इसको कहाँ पे आक्रमण करना है, क्या करना है, ये अब ये देखिए इसकी मूवमेंट चालू हो गई, इसकी जीभ जो है खतरे को भांपती है, अभी बहुत सुस्त हो रहा है, कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, तो वो इसके साथ कहावत सही साबित हो रही है, देखिए सड़क से किनार हो जाए अपना, धूप में चला जाए, अभी नहीं चाहते ये सुरक्षित रहे, ये प्रकृति का एक चक्र है कि जिसमें इनको भी जिंदा रहना है, इसकी पूछ भी शायद कुछ हुआ होगा,
अजगर के बच्चे को उसके प्राकृतिक वाला छोड़ दिया गया। इस समय सर्दी बढ़ रही है और इनको इनका खून बहुत ठंडा होने के कारण इनको गर्मी की आवश्यकता होती है और भोजन पचाने के लिए भी इनकी गर्मी की आवश्यकता होती है। तो हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो भी इनको उचित जगह मिलती है वहाँ पर घुसते हैं और ख़ासतौर पर आजकल ये हमारे घरों में घुस रहे हैं। हमारे घरों में इनको चूहा मेंढक इनको मिल ही जाता है खाने के लिए। प्रकृति ने एक साइकिल बना रखी है, उस साइकिल का जो चक्र है चलना चाहिए। उस साइकिल का एक चक्र बहुत बड़ा चक्र ये सांप भी है। यदि सांप ख़त्म हो गए तो एक तरीके से चक्र टूटेगा और चक्र टूटा तो आदमी का जो जीवन है खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि जिस चीज़ को ये ख़त्म कर सकते हैं उस चीज़ को इंसान ख़त्म नहीं कर सकता। ये चूहे मेंढक खरगोश चिड़िया कौवा तोते जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पक्षी होते हैं उनको ये नुकसान उनको ख़त्म करता है, एक साइकिल को बराबर रखता है। क्योंकि किसी भी चीज़ की अत्यधिक हो जाएगी तो उससे नुकसान होगा, चाहे सांप ज़्यादा हो जाए चाहे प्रकृति में जानवर ज़्यादा हो जाए नुकसान होगा। एक प्रकृति का एक चक्र है, चक्र चलना चाहिए। यदि चक्र चलता रहेगा तो प्रकृति बची रहेगी और इस चक्र को टूटने ना दें।